दोस्तों, जहां पर एक तरफ बाहुबली प्रभास की फिल्म साहो का क्रेज पूरे सिनेमाघरों में छाया हुआ है, वहीं नॉर्थ इंडिया से एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। आपको दोस्तों मैंने सुबह से सारी चीजों का अपडेट बताया। मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी है, मैंने आपको पब्लिक का रिएक्शन बताया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिएक्शन, अपना रिव्यू बताया। अब ऐसे में बताना चाहता हूं दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के सिनेमाघर में एक गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से जितने भी लोग फिल्म देखने के लिए आए थे उन्हें रिफंड किया गया है। दरअसल ये जो फॉर्मेट है ये 4K फॉर्मेट में सिनेमाघर में दिखाना था, लेकिन सिनेमाघर के मालिक जो है वो 2K फॉर्मेट में उसको दिखा रहे थे, जिसकी वजह से बड़ा बवाल हो गया। और ऐसे में दोस्तों जो बवाल हुआ तो भाई जनता तो ऐसी ही रहती है, मतलब कि कब बवाल हो और कूद पड़े वो उस बवाल में, तो जनता कूद पड़ती है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूं कि जनता ने इस 2K फॉर्मेट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और वहां पर तुरंत सिनेमाघर के ओनर से बोला कि लाओ भाई हमारे पैसे वापस करो, रिफंड करो, हमको ना देखनी है फिल्म ऐसे 2K फॉर्मेट में, करना है तो 4K में करो, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई नहीं कर पाए वो सिनेमाघर के ओनर्स, तो इस वजह से जनता को पैसे उनके वापस लौट गए और बाकी के जो शोज थे वो भी कैंसिल हो गए। भाई ये तो नुकसान है, ये तो नुकसान है फिल्म को लेकर अगर बात करी जाए तो। आपको क्या है कहना इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें आपको साहू की बताता रहेगा।